छह निशानियां कि उसने आपसे मोहब्बत करना छोड़ दी है। जब हम किसी के साथ एक अच्छा वक्त गुजार लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें वो शख्स मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी, और इस बात की उम्मीद पैदा हो जाती है कि अब उसकी जगह कोई दूसरा नहीं लेगा। हम अपनी मोहब्बत को पाने के लिए क्या क्या जतन नहीं करते, यहाँ तक के बाज़ औकात हम अपनों से भी मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन फिर अचानक से रवैयों में बदलाव आता है। बाज़ औकात एक छोटी सी बात दूरी का सबब बनने लगती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे मोहब्बत करना छोड़ दी है, तो ये वीडियो आपके इन शकूक व शुबहात को दूर करने में आपकी मदद करेगी। ख्वातीन की तर्जुमानी करना अगरचा एक पेचीदा काम है, हम अच्छे से जानते हैं कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं कि हम किसी के अंदर की दिल की बात बता सकें, क्योंकि ख्वातीन मर्दों के लिए एक अलग कायनात है। लेकिन अगर वो मोहब्बत करना छोड़ दे, आपसे दूर रहने लगे, आपसे भागने लगे, तो वो इन अलामात का इश्तराक करती है जो इस वीडियो में अब मर्दों को बताने जा रहे हैं। मर्दों को वो छह निशानियां पेश करते हैं जिन पर आप मर्दों को ध्यान देना होगा। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। पहली अलामत, जब वो एक जोड़ी की हैसियत से सोचना छोड़ दे। हर इंसान के जहन में ख्यालात का एक ना रुकने वाला सिलसिला चलता रहता है, लेकिन अगर उस लड़की या औरत के जहन में उसको लेकर कोई ख्यालात ना आए तो इसका मतलब उसने आप में अपनी दिलचस्पी खो दी है। यकीनन ये अफसोसनाक है। जब वो उसके मुतालिक ना सोचे और उसे लगे कि यही उसके लिए बेहतर है, उसके बारे में हतमी तौर पर जानने के लिए ये देखें कि आप उसकी जिंदगी का हिस्सा हैं या नहीं, तो आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। दूसरी अलामत, जब उसे अपनी जिंदगी में कोई खास दिलचस्पी ना हो। एक औरत जब किसी से मोहब्बत करती है तो वो किसी मर्द से ज्यादा बेदार होती है। उसकी दिल से ये ख्वाहिश होती है कि उसकी मोहब्बत सदा उसके साथ हो, लेकिन अगर औरत के साथ ऐसा ना हो तो समझ लें कि औरत का ये चैप्टर उस मर्द के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। तीसरी अलामत, जब वो उसे याद ना करे। जब वो घर पर ना हो तो अपने आप को ज्यादा अच्छा महसूस करे। वो भूल जाती है कि इस वक्त वो कहाँ है, किस हाल में है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो आने वाला है तो वो सोचती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अकेली ही ठीक है। चौथी अलामत, जब उसे साथ निकलने का शौक ना हो। जब वो आपके साथ बाहर निकलती थी, आपके साथ खाना खाती थी, शॉपिंग करती थी, लेकिन जब वो आपके बगैर खाना खाए, आपका इंतजार ना करे, जब उसे मेज पर आपका इंतजार ना हो, पांचवी अलामत, जब वो आपके बगैर ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रही हो। जब वो अपनी जिंदगी को एक अलग तरीके से गुजारने लगे, जब वो मुस्कुराहट वापस लाने के लिए अकेले या किसी और के साथ कोशा रहती हो और अब की बार आप उसकी जिंदगी का हिस्सा ना हो। छठी अलामत, जब वो आपकी फिक्र करना छोड़ दे। जब वो इस बात की फिक्र करना छोड़ दे कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है और ठीक हालत में है भी या नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि वो ठीक नहीं, फिर भी एक वक्त ऐसा भी आता है कि उसके नज़दीक अपने बॉयफ्रेंड की अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो अपने बारे में सोचना शुरू कर देती है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ही होता है हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।